खाने में इबादत। आज इस पाठ के हम बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। इसमें प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है। यह रचना यतीन्द्र मिश्र की है। बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी कहाँ पर स्थित है। पंचगंगा घाट पर बालाजी की ड्योढ़ी स्थित है। बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी जहाँ पर बैठ कर के बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन नाना के घर आए तब कितने वर्ष के थे। वो 6 वर्ष के थे। यहाँ पर अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बचपन का नाम है। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था। उनके बड़े भाई का नाम शमशुद्दीन था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। रागों के नाम प्रायः कौन लेते थे। उनके मामू जान जो थे वो राग का नाम लेते रहते थे। भीम पलासी और मुल्तानी ये दोनों राग हैं और इन्हीं का नाम मामू जान बार बार लेते रहते थे। सादिक हुसैन का प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है। शहनाई। शहनाई उनका प्यारा वाद्य यंत्र था। सादिक हुसैन और अली बख्श की ख्याति कहाँ तक फैली हुई थी। उनकी प्रसिद्धि जो थी पूरे देश में फैली हुई थी। अमीरुद्दीन के मामूजान प्रतिदिन कहाँ पर शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में वो शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। डुमराव में हुआ था। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था। उनका ननिहाल काशी में था। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग किया जाता है। शहनाई बजाने के प्रयोग में जो रीड आती है वह एक नरकट नाम की घास से बनाई जाती है। नरकट घास सो नदी के किनारे प्राप्त होती है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब के परदादा का नाम था सलार हुसैन खान। उस्ताद बिस्मिल्ला खान के पिताजी का नाम था उस्ताद पैगंबर बख्श खान साहब। उस्ताद बिस्मिल्ला खान के अनुसार उनकी संगीत प्रेरणा कौन थी। उनकी संगीत प्रेरणा थी बतूलन बाई और सलमा बाई। फटा यहाँ पर जो है मैं आपको एक करेक्शन कर देती हूँ। रसूलन बाई और बतूलन बाई जो थी उनसे उन्हें प्रेरणा मिली थी। फटा सुरना बख्शे लुंगिया का क्या है। आज फटी है तो कल सी जाएगी। मालिक से यहाँ पर कौन सी दुआ मांगते हैं। कौन मांगता है दुआ। बिस्मिल्ला खान मांगते हैं। कहाँ पर लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। तो अवधि में यह संकेत बार बार मिलता है। दक्षिण भारत में शहनाई की तरह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसका नाम होता है नागस्वरम। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन हैं। बिस्मिल्ला खान। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। यहाँ पर सजदे जो है सजदे का मीनिंग क्या है। वह है सिर। नायक शहनाई वादक किसके सामने झुककर सच्चे सुर की इबादत किया करते थे। खुदा के सामने। बिस्मिल्ला खान नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हुए क्या मांगते थे। सुर मांगते थे। वो खुदा से सुर मांगा करते थे। सुरों के प्रभाव से बिस्मिल्ला खान आंखों से कैसे आंसू निकालने की प्रार्थना करते थे। मोती की तरह। किस इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक काल में। किस मंदिर की ड्योढ़ी के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि सुनाई दिया करती थी। बालाजी की। नौबत खाने में इबादत किस प्रकार की साहित्यिक विधा से संबंधित है। इसे व्यक्ति चित्र हम कह सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि बिस्मिल्ला खान के लिए मुहर्रम की कौन सी तारीख महत्व रखती थी। 8वीं तारीख उनके लिए महत्व रखती थी। इस दिन बिस्मिल्ला खान 8 किलोमीटर की दूरी पैदल चलते हुए क्या बजाते थे। नोहा बजाते थे। बिस्मिल्ला खान को कहाँ की कचौड़ी पसंद थी। कुसुम हलवाइन की कचौड़ी उन्हें बहुत पसंद थी। बिस्मिल्ला खान को कौन सी हीरोइन पसंद थी। तो उन्हें सुलोचना नाम की हीरोइन पसंद थी। पुराने समय में थर्ड क्लास की टिकट कितने में आती थी।
6 पैसे में आया करती थी। बचपन में बिस्मिल्ला खान को बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने का कितना पैसा मिलता था तो उन्हें 8 मिला करती थी। हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन मंदिर पर कितने दिन का संगीत कार्यक्रम होता था? 5 दिन का। खान साहेब की एक रीढ़ कितने मिनट में गीली हो जाती थी? 15 से 20 मिनट में। काशी में कलाधर किसे माना जाता है? काशी में कलाधर हनुमान जी को माना जाता है और उन्हीं के मंदिर में बिस्मिल्ला खान शहनाई बजाया करते थे। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के लिए बिस्मिल्ला खान अपने किन दिनों को याद करते थे? वो अपने यौवन के दिनों को याद करते थे, यानी जब वो युवा थे तब के दिनों को वो याद किया करते थे। बिस्मिल्ला खान को किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता? गंगा के द्वार से अलग करके उन्हें नहीं देखा जा सकता है। शहनाई का तात्पर्य है बिस्मिल्ला खान का हाथ। बिस्मिल्ला खान का देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 90 वर्ष की। उनकी मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त 2006 को। बिस्मिल्ला खान ने कितने वर्ष तक खुदा के आगे सच्चे सुर की इबादत में झुकते रहे? 80 वर्ष तक। गमक से क्या तात्पर्य है? गमक से तात्पर्य है खुशबू। इस प्रकार आज इस पाठ के मैंने आपको ये प्रश्नोत्तर बताए हैं। अभी इसके और प्रश्न बाकी हैं तो आप ये देख लीजिए। नरकट नामक घास डुमराव में कौन सी नदी के पास पाई जाती है? सोन नदी के पास पाई जाती है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? यतीन्द्र मिश्र। अरब देश में बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे शहनाई कहते हैं। संकट मोचन मंदिर काशी की कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। पंचगंगा घाट कौन से शहर में है? बनारस में। दक्षिण भारत में मंगला वाद्य का नाम क्या है? नागस्वरम। बिस्मिल्ला खान का मूल नाम था अमीरुद्दीन। शहनाई के बादशाह को क्या अच्छा लगता था? कचौड़ी और जलेबी। शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? बिस्मिल्ला खान। उस मंदिर का नाम लिखें जिसमें बिस्मिल्ला खान को रोज़ 1 मेहनताना मिलता था। बालाजी। बालाजी मंदिर गंगा घाट के कौन से घाट पर है? तो पंचगंगा घाट पर ये है। अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? तो 2। इसका उत्तर है उनके 2 मामा शहनाई वादक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।